यूं तो भारतवर्ष में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, इसी के चलते हर प्रांत के लोग अपने पर्व और त्योहारों को अपने अनूठे अंदाज में मनाते हैं। उन्हें पर्व और त्योहारों में से एक पर्व सीमांत जनपद उत्तरकाशी के डूडा तहसील में स्थित हर्षित बगोरी बीरपुर के लोग शीतकाल के उत्तरार्ध में लोसर मेले का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। इसके प्रथम दिवस की रात्रि में दीपावली पर्व का आयोजन किया जाता है। उस दिन लोग जंगलों से चीड़ के पेड़ की लकड़ी से मसाल बनाकर गांव के अंतिम छोर पर एक जगह एकत्रित कर देते हैं, जिसके बाद इस अग्नि के चारों ओर लोग एकत्रित होकर नाचते हैं। जी, मेला तो जो है प्रतिवर्ष मनाया ही जाता है। मतलब जो है तो लोसर जो 3 दिन का होता है, लोसर में जो है पहला दिन अमावस्या के दिन भगवाल एक दिन जैसे दल्ली का छलका जलाया जाता है। फिर पहला दिन जो है सुबह लोग सभी जाते हैं घरों में राम राम करने के लिए, हरियाली लेकर के जाते हैं। फिर दूसरा तीसरा दिन जो है रिंगाली देवी मंदिर में जो है लोग मनाते हैं अपने बिल्कुल ही ड्रेस वेशभूषा के साथ जो है। और 3 दिन का होता है मेला, और उसमें हमारे जो है दिवाली होली दोनों जो त्यौहार जो इसमें बिल्कुल इसमें समावेश है। इसमें बिल्कुल ही 3 दिन में जो है लोसर को जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, नए साल के रूप में मनाया जाता है। इसमें दिवाली भी है तो लास्ट दिन होली भी है। तो पहले जब आज से 200-300 साल पहले जब रंगों का प्रयोग नहीं होता था, रंग नहीं थे, तो लोग आटे का प्रयोग करते थे रंग के बदले जो है। तो आज भी जो है लोग उसी आटे का प्रयोग कर रहे हैं शगुन के तौर पे जो है। तो 3 दिन लोग मनाते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाते हैं लोसर जो है। हमारे यहाँ पे ग्राम बीरपुर डुंडा में 3 समुदाय के लोग रहते हैं, किन्नौरी, भोटिया और जाट जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। तो लोसर मेला हमारे यहाँ 3 दिन का ये महापर्व होता है, जिसमें कि हमारा नया साल और यहाँ पर फर्स्ट दिन दीपावली होती है, जिसमें कि हर घर से मसाल ले जाके हर एक परिवार एक जगह पे एकत्रित होकर दीपावली मनाते हैं। दूसरे दिन सभी एक दूसरे का आदर सम्मान के लिए हर घर में जा करके हरियाली वगैरह दे करके सभी को रामा रामी की जाती है, और उसमें अपने रिश्तेदारों को खाने वगैरह के लिए बुलाया जाता है। और हमारे लोसर मेले में एक छंग बनती है, जो कि देवताओं को पूजने के लिए बनाई जाती है, उसी से लोसर मेले की शुरुआत होती है। और तीसरे दिन हमारे यहाँ लोसर मेले के समापन के दिन झंडे खड़े होते हैं, जिस दिन के आटे की होली मनाई जाती है, और वो पूरे घर में झंडे लगते हैं और सभी आटे की होली धूमधाम से मनाए जाते हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ बीरपुर डुंडा में यहाँ पे लोसर मेला मनाया जाता है, जो कि 3 दिन का होता है, और इसमें 3 समुदाय के लोग होते हैं जो कि इस मेले को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। 3 दिन तक काफ़ी घर घर में खुशहालियाँ होती है, अपने दीपक वगैरह जलाते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, और इसी कारण सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेले की।